हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम ग्रोन ई लर्निंग क्लासेस। आइए, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो मिसलिनियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, जो मैं उसको आज डिस्कस करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था सर, ये कुछ क्वेश्चन मुझे फॉरवर्ड किए थे, मेल किया था, तो जीमेल से मैंने उस कुछ क्वेश्चन को निकाला है और आपके सामने डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। कुछ क्वेश्चन आप उससे अवगत भी होंगे, कुछ आपके लिए नया भी होगा, कुछ उस क्वेश्चन जो है कि पुराने भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आया है, 2017 के एग्जाम में आया है, CGL में, SSC में। ठीक फ्रेंड्स, SSC CGL 2017 में क्वेश्चन आया, उसको आइए देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं। टायर वन में क्वेश्चन पूछा गया है SSC का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताते चलूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से। ठीक है, एक तरल ताल में दो निकास पाइप है। एक तरल ताल मतलब जो भी नदी टाइप का ताल टाइप का होता है, जिसको झील बोलते हैं। ठीक है, पॉन्ड। एक तरल ताल में दो निकासी पाइप है जो दो नलों एक और बी द्वारा नियंत्रित है। यदि दोनों नल के एक साथ खोल दिए जाएं तो जो तल होता है वो 20 मिनट में खाली हो जाता है, और एक यदि नल दो को खोला जाए तो ये तल 30 मिनट लगते हैं खाली होने में। यदि नल दो बंद रखा जाए और नल एक खोला जाए तो कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन। आई नो आप सभी लोग, बहुत लोग आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं जिसने पूछा उस तक तो पहुंचे। चलिए आइए, क्या कहना है। एक नल वन है, नल टू है, टैप वन टैप टू। ठीक है, चलिए अगर टैप वन खोलते हैं तो कितना टाइम लगता है फ्रेंड्स, टाइम या डेज, टाइम या डेज कह सकते हैं कुछ। हाँ ठीक है, दोनों ही तो कॉन्स्टेंट, टाइम या फिर डेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो क्या लग रहा है, फर्स्ट का कितना टाइम लग रहा है। अगर दोनों को साथ खोला जाए तो वन, और एक इक्वेशन यहाँ दिया वन प्लस सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जब सेकेंड को खोला जाता है तो सेकेंड को खोला जाता है 30 मिनट में, वो क्या होता है उसको खाली कर देता है। जब इन फर्स्ट और सेकंड दोनों नल को साथ में चला जाता है तो 20 मिनट में क्या होता है फ्रेंड्स, वो खाली कर देता है। ठीक है, बता रहा है कि इसको अकेले चलाया जाए तो कितने देर में वो खाली कर पाएगा। सिंपल सा फ्रेंड्स है, देखते हैं कैसे होगा। आइए लेट्स सी, टोटल फ्रेंड्स कितना टाइम ले रहा है दोनों मिलकर, 20 मिनट्स। ये अकेला कितना ले रहा है फ्रेंड्स, 30 मिनट। जाहिर सी बात है अकेला काम करेगा ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि काम तो फिक्स है, लेकिन दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो काम जल्दी समाप्त हो जाए, कोई काम उतना ही है। ठीक है, तो इस टाइप के काम को पहले करने के लिए देखते हैं टोटल कितना काम है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अगर इसका दिया होता, इसका दिया होता, इसका पूछता तो भी हम इस दोनों का एलसीएम निकालते, लेकिन इसका नहीं दिया होगा तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, तो इससे हमको टोटल का वर्क मिल जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क मिल जाएगा तो उसको हम क्या कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। ताकि इन दोनों कैल्शियम लेते हैं, 30 और 20 कैल्शियम फ्रेंड्स क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा, यानी टोटल काम हम अज्यूम कर लेते हैं कि 60 टोटल काम है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और एफिशिएंसी की बात करते हैं, कितनी क्षमता या कैपेसिटी की बात करते हैं। एफिशिएंसी, ई फॉर एफिशिएंसी और सी फॉर कैपेसिटी। ई फॉर एफिशिएंसी या सी फॉर कैपेसिटी की बात करते हैं, एक बात बताइए, वो 60 काम को 30 मिनट में करता है, 60 वर्क को 30 मिनट में करता है, तो एक दिन में, एक मिनट में या फिर एक दिन में एक काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि 60 काम को 30 मिनट में पूरा काम करता है तो एक मिनट में वो कितना काम करेगा, एक मिनट में कितना काम, यानी कि एक मिनट में कितना काम करेगा। आइए, एक मिनट में कितना काम करेगा फ्रेंड्स, दो काम करेगा। ठीक है, चलिए ये 20 मिनट में दोनों मिलकर 60 काम करते तो एक मिनट में कितना काम करेंगे फ्रेंड्स, तो ये करेंगे 3 काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये कम काम कर रहा हो, ये दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, बात समझिएगा। ये अकेले 30 मिनट में पूरा काम करता है और एक मिनट में दो काम करता है, एक मिनट में 3 काम करता है, तो कौन ज्यादा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये अकेले 2 कर रहा है, और ये एक ये मिल जाने के बाद ये 3 कर रहा है, यानी इसकी एफिशिएंसी या इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 1 होगी। तो ना 1 और 2 मिलकर 3 हो रहा है, या 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमें यही निकालना था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसकी एफिशिएंसी एक, यानी एक दिन में एक काम कर रहा है तो 60, मतलब एक मिनट में एक काम करा तो 60 काम कितने मिनट में करेगा फ्रेंड्स, 60 मिनट में करेगा। आंसर विल बी 60 मिनट, कोई कटम कुटम नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन सिंपल लैंग्वेज में। ठीक
एसएससी सीजीएल 2017 टायर 1 में क्वेश्चन पूछा है, रेलवे में भी पूछ चुका है, जेई में भी पूछ चुका है, एसएससी जेई में भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, ऑफलाइन बैच में मैंने बताया है। ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ये रेलवे जेई और एएलपी 2014 और रेलवे जेई 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, रेलवे जेई और एएलपी 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, यान यदि 4,900 रुपये में से 1/9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है और तथा शेष धन को 12% वार्षिक ब्याज पे निवेश किया जाता है, तो यदि प्रत्येक स्थिति में समय बराबर हो और जो इनसे मिलने वाला ब्याज है वो भी बराबर हो, तो लगाए गए निवेशित किए गए धन का अनुपात क्या होगा। कहने का फ्रेंड्स क्या है? मतलब कि 4,900 हमारा प्रिंसिपल एक एक अमाउंट है, पैसा है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब एक पैसा है हमारा। ठीक है, डेप्ट मेरा, उस प्रिंसिपल का कुछ P1 यानी कुछ भाग P1 जिसको प्रिंसिपल मान लिए, कुछ भाग को P2 प्रिंसिपल मान लिए, दूसरा प्रिंसिपल मान लिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको हमने उसी उतना ही टाइम पे रखा जितने टाइम पे इसको रखा, लेकिन इसको जो हमने रखा कितना रखा, 9% की रेट से रखा, और इसको जो हमने रखा वो 12% की पर एनम रेट से रखा। ठीक है, तो इन दोनों का जो मिल रहा है वो SI इंटरेस्ट जो मिल रहा है दोनों के जो सेम टाइम पे रखने के बाद वो इक्वल आ रहा है, तो ये कितना और ये कितना रेशियो इनका आएगा, इन दोनों के कितने रेशियो में निवेश किया गया वो हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। जब SI दोनों का सेम है तो SI इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, P×R×T/100। ठीक है, इसका SI निकालते हैं, P1×R यानी 9, R की वैल्यू 9 है, 9 टाइम फिक्स है, टाइम भी सेम है और SI इंटरेस्ट भी सेम, बाई 100। ये इंटरेस्ट इसके इंटरेस्ट के बराबर है, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है, इसको भी बराबर कर लेते हैं, P2×12×T/100। ये टी और ये टी सेम है कि क्वेश्चन बोल रहा है टाइम क्या सेम है। ठीक है, 100 से 100 को काटे, टी से टी काट दिए, यानी P1×9 इसकल टू P2×12, इसको P1/P2 इसका टू 12/9 काट दीजिए, 4:3। ठीक है फ्रेंड्स, यानी P1×P2 की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, 4:3 हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता कि कितना अमाउंट इन्होंने, ये तो रेशियो पूछ दिया, पूछ देता कितना अमाउंट जो है कि इन्होंने मतलब कितना पैसा इन्होंने लगाया था, P1 का क्या अमाउंट पैसा है, P2 का क्या पैसा है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट जो टोटल जो पैसा है वो कितना, 7 रेशियो है, 4 रेशियो इसका, 3 रेशियो इसका, टोटल 7 है, जो 7 रेशियो टोटल कितने के बराबर है, इतने के बराबर, क्यों, P1+P2 की वैल्यू तो यही तो है, इसी कुछ भाग P1 पे, ऐसे कुछ भाग जो बच गया P2 पे दिया गया है। ठीक है, तो 7 रेशियो की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ गई, 4,900, तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 700, 700 रुपये आ गई, तो इसके रेशियो की वैल्यू क्या, 4, 4 का निकाल लीजिए, 7 चौके 28, इसका 3 है, 7 3 21। ठीक है, ये हो गया डिटेल मेथड, या फिर आगे कैसे करेंगे, ये हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट निकालिए कि जो जो इंटरेस्ट इन दोनों का सेम आया हुआ है, यानी इन दोनों का क्या इंटरेस्ट होगा जो इक्वल है, ये भी ना पूछे ये भी ना पूछे, डायरेक्ट वो पूछ दे दो तो आप क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा कैसे, देखिए किसी को एक पकड़ लेते हैं इसके प्रिंसिपल के, किसी के एक प्रिंसिपल को पकड़ लेते हैं, तो हम इस छोटे वाले अमाउंट को पकड़ते हैं, 2,100 रुपये को 12% की रेट से टाइम इक्वल, इसलिए टाइम को 1 लेंगे, अपॉन में 100 से कर देंगे। ठीक है, अब डिवाइड तो आ जाएगा हमारा, ये SI निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, कितना SI आया, तो आ जाएगा हमारा सॉरी 252। ठीक है फ्रेंड्स, इतना रुपया इंटरेस्ट मिला इससे, इतना ही रुपया इसका इनसे इससे इससे इंटरेस्ट मिल रहा है। आइए चेक कर लेते हैं, SI सेकंड SI, ये सेकंड SI से आया था, ये फर्स्ट SI क्या होगा, 28×9/100, टाइम को हमने 1 यूनिट लिया है, 1 से 1 काट दिया है। ठीक है,
कट गया 252। देख रहे फ्रेंड्स दोनों का क्या है कि सेम आ रहा है इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए रब करते हैं इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स वो है क्या फ्रेंड्स, टाइम एंड डिस्टेंस। उससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये कहाँ पूछा गया है, रेलवे जेई में पूछा गया और रेलवे एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 2017 में और 2014 के रेलवे जेई में पूछा गया है, एएलपी में 2007 में इसको पूछा गया था। यानी क्वेश्चन काफी जाना पहचाना से और भी एग्जाम में भी आगे रिपीट हो। ठीक है, आइए देखते हैं। एक नदी के किनारे सड़क था। ठीक है, नदी है, ये नदी है, ये वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, नदी के किनारे सड़क था, ये रोड हो गया। ठीक है, चलिए। दो मित्र घूमने निकले तथा ए स्थान, तथा स्थान ए से बी तक स्थित मंदिर जाकर वापस ए पर लौटे। एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर जाता है तथा दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव से जाता है। यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर पर घंटे हो तो दोनों मित्रों में से कौन सा पहले ए पर लौटेगा। अच्छा, कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि एक पॉइंट ए, एक पॉइंट है बी, यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, यहाँ मंदिर है। चलिए, एक बंदा जो है, मान लीजिए एक्स उसको, या कुछ भी मान लीजिए, एक्स आप मानते हो, मान लीजिए एक्स बंदा जो है बाईसाइकिल से जाता है और वाई बंदा जो है कि किससे जाता है, नदी से जाता है। ठीक है, इस बंदे की स्पीड क्या है फ्रेंड्स, 12 किलोमीटर पर आवर। इस बंदे की स्पीड क्या है फ्रेंड्स, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए, लेकिन नदी का बहाव जो है वो क्या है फ्रेंड्स, नदी का बहाव भी तो है, नदी का बहाव कितना है फ्रेंड्स, तो नदी का बहाव है वो है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नदी का बहाव 4 किलोमीटर पर आवर है, आदमी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मैं इधर की डायरेक्शन में जा रहा हूँ 10 की स्पीड से या 10 की फोर्स से, कोई उधर से आ रहा है 10-4 से, तो मैं जब आपस में जब लड़ेंगे तो मेरा 4 उसका 4 न्यूट्रलाइज हो जाएगा और 6 जो स्पीड है मेरे को कंटिन्यू रहेगी, मैं आगे 6 की स्पीड से दौड़ूंगा, क्योंकि अपोजिट होने की वजह से क्या, हमारा जितना उसकी स्पीड है और हमारी स्पीड उससे ज्यादा है, तो उसके जितना उसका मोमेंटम है, स्पीड है, उतनी मेरा स्पीड क्या होता है, घट जाता है न्यूट्रलाइज, उसकी स्पीड को न्यूट्रलाइज करने में। ठीक है, यानी वाइट जो इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर से और पानी जो है आ रहा है, वेव जो आ रहा है पानी का, वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो डिफरेंस आएगा वही इसकी एक्चुअल स्पीड होगी पानी में। ठीक है फ्रेंड, चलिए, इसकी एक्चुअल स्पीड, इसको तो धारा वाला कोई मतलब है नहीं, रोड पे जाना, रोड से आना, तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड साइकिल से जाता है, ए से भी बी से ए आता है। ठीक है, इसको ये भी जाता है यहाँ पे बी, बी से फिर वापस ए पे आता है, पूछ रहा कौन पहले आएगा। चलिए देखते हैं, मान लीजिए ए से बी तक गए, ए से बी तक, पहला पॉइंट, ए से बी तक गए, एक्स और वाई, ठीक है, स्पीड क्या है और टाइम, डिस्टेंस तो फिक्स है, दोनों सेम डिस्टेंस, ये भी उतनी दूरी के ट्रेवल कर रहा जितना एक्स कर रहा, वाई भी उतनी दूरी ट्रेवल कर रहा जितना एक्स कर रहा, यानी डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, यानी सेम है। चलिए ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट वन आ चुका है, उसमें ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, वहां आप अगर ये वीडियो नहीं देख समझ में आ रहा ये चीज कहाँ से, तो वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए बात करते हैं। इसकी स्पीड फ्रेंड्स क्या है, 12 किलोमीटर, इसकी स्पीड क्या है, 10 था न्यूट्रलाइज होने के, 4 न्यूट्रलाइज होने के बाद बच गया 6। ठीक है, वो इसका रेशियो का बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 2:1, 6 से इसको काट दिया, 6 से इसको काट दिया, ठीक है, 6 से इसको काट दिया, 2:1 हो गया इसका रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होगा, अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या होगा फ्रेंड, 1:2 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड का रेशियो क्या है, 2:1, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो टाइम का रेशियो क्या अल्टर हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, मैंने बताया था क्रॉस इंटरचेंजिंग हो जाता है, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए, ठीक है, चलिए अब, ठीक है, ये केस नंबर वन, यहाँ से यहाँ आने में। ठीक है, चलिए केस नंबर टू की बात करते हैं, केस नंबर टू की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, केस नंबर टू की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बी से एक तक आना है, बी से ये भी यहाँ पहुंच गया, ये भी यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये पहुंचता है एक एक्स रेशियो में, 1 यूनिट टाइम में, तो बी पहुंचता है उससे जस्ट दुगना टाइम लेता है। ठीक है, चलिए मंदिर तक पहुंचा, मंदिर से आने की बात कर रहे हैं, भैया
नदी तो अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसकी अब ये नदी के सहारे आएगा तो एक नदी का तो ऑलरेडी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, वो नहीं भी चलेगा वो उस बोट नदी के सहारे तैरते हुए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो चलेगा, लेकिन वो नदी में भी चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, उसका एक्चुअल स्पीड क्या होगा 10 + 4 क्या हो जाएगा 14, और ये इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट 12 जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जाए तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस भी आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सेम वही चाहिए, स्पीड का रेशियो क्या होगा, उसकी स्पीड एक स्पीड तो 12 ही है कोई, ठीक है, इस ए से बी के जाने में एक्स और वाई, इसकी स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो, ठीक है, स्पीड और टाइम, इसकी स्पीड क्या होगी फ्रेंड्स, इसकी स्पीड तो 12 ही होगी, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या उसी स्पीड वापस आ गया साइकिल से, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 14 हो जाएगी, क्योंकि अब पानी के सहारे आ रहा, पानी के साथ आ रहा, जब पानी साथ आएगा अब सेम डायरेक्शन में जब दोनों की स्पीड होती, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, दोनों की स्पीड और ऐड होकर 14 हो गई, काट दीजिए रेशियो काट दिया तो हो गया 6:7, और डिस्टेंस फिर ए से बी कांस्टेंट है, चाहे जाए चाहे दूरी तो कांस्टेंट है, जितना एक्स को ट्रेवल करना है इधर आने में उतना ही वाई को ट्रेवल करना है इधर आने में, तो डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या है, दोनों का टाइम इंटरचेंज हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि इसको इस दूरी को ट्रेवल करने में 1 मिनट लगा, जबकि फिर इसी को उसी स्पीड से दूरी ट्रेवल करने में 7 यूनिट लगा, इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, दूरी सेम है, स्पीड सेम है, तो एक्स का वाई का नहीं बात कर रहा हूँ, एक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स का 1 रेशियो है और यहाँ पे वाई एक्स का 7 रेशियो है, यानी ये दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये 12 से जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम अलग अलग कैसे हो सकता है, इसका मतलब कि 1 रेशियो इंडिकेट कर रहा है 7 रेशियो को, यानी ये 7 रेशियो किया इसकी इक्वल कीजिए, इसको इस रेशियो को इसकी इक्वल कीजिए, तो डिवाइड करने से बढ़िया हम इसको इसके इक्वल कर देते हैं, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7:14, अब क्या हो गया कि 7 यूनिट टाइम लिया जाने में, 7 यूनिट टाइम लिया आने में, क्योंकि स्पीड सेम थी डिस्टेंस सेम था, लेकिन जाने में 14 यूनिट टाइम लिया वाई और आने में फ्रेंड्स 6 यूनिट टाइम लिया, बात समझ में आ रही है, अब दोनों के टाइम को ऐड कर दीजिए, ठीक है, टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम एक्स का, टोटल टाइम वाई का कितना होगा, 7 + 7 टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, तो एक्स का कितना होगा फ्रेंड्स, 7 + 7 14, और एक्स और वाई ये स्पीड क्या, टाइम क्या होगा फ्रेंड्स, एक्स का 7 + 7 14 और वाई का क्या होगा, 14 + 6 = 20, 14 + 6 = 20 काट दीजिए, 7:10 आपका क्या होगा, रेशियो आएगा, ठीक है, यानी ए 7 यूनिट ले रहा है इस पूरी दूरी को कवर करने में, तो बी 10 यूनिट ले रहा है उस पूरी दूरी को कवर करने में, यानी ए हमेशा ज्यादा कम टाइम ले रहा है बी के कंपेरिजन में, कितना कम टाइम ले रहा है, 3 यूनिट कम टाइम ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है, काफी डिटेल में बताया हूँ, धीरे धीरे बताया हूँ, अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट जरूर करें जैसा भी लगे, जैसा भी आप फील किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा आपके सामने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, जल्दी मिलते हैं, और हैप्पी रक्षाबंधन और हैप्पी ईद, हैप्पी बकरीद आप सभी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।